इंदरगढ़ में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मुख्य आयोजन भीमराव अंबेडकर सर्व जाटव समाज संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश महेंद्र बौद्ध थे। अतिथि धर्मगुरु पूज्य भिक्खू धम्मप्रिय जी थे। विशिष्ट अतिथि जगदीश प्रसाद शिक्षक शिवचरण शिक्षक अजाक्स जिलाध्यक्ष दतिया रहे। अध्यक्षता कोक सिंह पटेल पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद इंदरगढ़ ने की। कार्यक्रम का संयोजक श्री राम जाटव कार्यवाहक अध्यक्ष सर्व जाटव अंबेडकर समिति थे। आभार प्रदर्शन डॉक्टर संतोष कुमार जाटव ने व्यक्त किया। मंच का संचालन अरविंद हर्ष ने किया। कार्यक्रम भीमराव अंबेडकर के जीवन में प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि महेंद्र बौद्ध पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश ने कहा कि शोषितों की आवाज थे बाबा साहेब। जीवन भर हक की लड़ाई लड़ते रहे। समाज के शोषित और वंचित तबके के लोगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। इस अवसर पर नगर में प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें सैकड़ों अंबेडकर के अनुयायी साथ रहे। प्रारंभ में सभी अतिथियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर अंबेडकर को नमन किया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री महेंद्र बौद्ध ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में समाज से विभेद हटाने की अपना लक्ष्य बना लिया था और इसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने पढ़ाई को हथियार बनाया। बाबा साहब बचपन से पढ़ाई में अव्वल आते थे और इसी का नतीजा था कि साल 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में ऑनर्स करने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए। मरणोपरांत साल 1990 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। इस अवसर पर नरेश जाटव राहुल राजौरिया राजू एम आई राजू इटोरिया आदि मौजूद रहे।